give a push in this direction, I request. It is indeed a privilege. On the banker side, Mr. Pawan Biswas and Mr. Kumar from. Strongly believe that the state in the small loan banks in ensuring that every 1.9 lakh beneficiaries. I would like to inform the house. मिस्टर बजाज मेरे साथ हैं, चेयरमैन हैं और जो आज आलोचना हुई है इसमें बहुत सारे डिसीजन हो चुकी हैं। ये सबसे बड़ी बात है, फुल मीटिंग हुई है। जैसे हमने बीएड टीचर के लिए लोन के बारे में बोला था तो अभी इसमें डिसीजन हो गया, अक्टूबर है ना, अक्टूबर तक, अक्टूबर 2018 तक समय सीमा बांध दिया गया है। 2018 तक 5000 जो बीएड करना चाहते हैं 2 लाख रुपए लोन वो दे दी जाएगी मिशन मोड में। जो 5000 लोगों को हमने बीएड टीचर लेना है तो बीएड के पढ़ने के लिए 2 लाख रुपया करके लोन बैंक से लेना है। सरकार इसमें सब्सिडी देगी और सरकार इसमें जो इंटरेस्ट होगी सरकार देगी। तो आज इस मीटिंग में बात हो गई, किसी भी ब्रांच में जाए आज के दिन के बाद कोई भी एजुकेशन लोन लेने के लिए बीएड के लिए तो उनको देर ना करते हुए तुरंत कर दी जाएगी। और उसका समय सीमा भी तय करते हैं जो अक्टूबर तक इसको करना ही करना है, कंप्लीट करना है। तो त्रिपुरा में इससे पहले जो एजुकेशन लोन हुए थे सिर्फ 14 लोन ओनली 14 और अब एक महीने में 5000 लोन। ये त्रिपुरा के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी विषय है। और सरकार ने भी जो कदम उठाया ऐसा कदम भी पहला सरकार किसी ने किया पूरे देश में, जो सब्सिडाइज लोन है और उसमें इसके अंदर जो हमने अपना जो भूमिका सरकार ने ली है इंटरेस्ट भी देंगे हम। तो इस तरीके से ऐसा काम पूरे देश में त्रिपुरा सरकार ने पहली बार किया है। तो ये और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो स्कीम्स है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स बात हुई है। जो कि त्रिपुरा में बेरोजगार लड़का लड़की है, इनको रोजगार देने में प्रॉब्लम आती है, बैंक का भी कुछ मजबूरी होती थी, जो उनको लोन के लिए जाते हैं तो लोन में प्रॉब्लम आती है, होता नहीं। और मुद्रा बैंक का लोन बहुत कम हुई है त्रिपुरा में, तो आज ये भी सिद्धांत हुई है। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन है बजाज जी मेरे साथ हैं, उन्होंने निर्देशित की है जो मुद्रा बैंक के माध्यम से बैंक के एम्प्लॉय फील्ड में जाके एवं चेन बना के सबको लोन देगा। सरकार का जो प्रमोट करने का जो फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री है, टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, ये सब सेक्टर, उसके बाद रबर इंडस्ट्री है, ये सब सेक्टर में वो लोन देगा एवं बैंक के एम्प्लॉई जाके लोन देगा, लोगों को ढूंढ ढूंढ के लोन देगा। और जिससे त्रिपुरा को एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में और फिशरीज में, डेयरी में और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री में, इसमें कम से कम ये इस पूरे सेक्टर में 3000 करोड़ का बिजनेस हो सकता है। तो स्वाभाविक रूप में बिजनेस होगा तो बैंक को भी बेनिफिट मिलेगी और उसका रिटर्न आए उसका भी व्यवस्था है, क्योंकि इसका मार्केट भी त्रिपुरा में ही है, बाहर बेचने का ज़रूरत नहीं। जो मछली में 24,000 मेट्रिक टन हमको ही चाहिए, तो हमें लोग जो आप लोग हैं वही में खाएंगे, तो आप अंदर में चला जाता है तो यहाँ रहेगा, यहाँ का बैंक के पास पैसा रहेगा। आप जो एग्रीकल्चर में यहाँ से 600 करोड़ रुपये का हमारा पैसा बाहर चली जाती है वो यहाँ रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने योजना बनाया, सरकार का जो दिशा है उस दिशा के साथ बैंक मिल के काम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के जितने भी स्कीम्स हैं वो बैंक के माध्यम से समय सीमा पे हो, हर 5-7 डेज में मॉनिटरिंग होगी, हर 15 डेज में मॉनिटरिंग होगी और उसके बाद विद इन 45 डेज हम लोग बैठेंगे। पहले 3-3 महीने के बाद ऐसे मीटिंग होता था, अब वो 45 डेज में होगी और हर 7 दिन में मॉनिटरिंग होगी। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, बजाज जी चेयरमैन है और जीएम हमारे मानस जी है यहाँ, जिन लोगों ने अभी विशेष करके मानस जी ने बताया, जो ये जो मॉनिटरिंग का व्यवस्था है इसी महीने का 17 दिन के अंदर जो हमने सिस्टम आज बनाया था उसको पूरा लागू कर देंगे। और मैं मानता हूँ यूनाइटेड बैंक उस दिशा में, हमारा स्टेट लीड बैंक है मेरे स्टेट का, उस
दिशा में सक्सेस होंगे, सरकार उनको सहयोग करेंगे और जनता भी करेंगे और पब्लिक को इससे लाभ मिलेगी, बहुत बड़े रोजगार क्षेत्र होंगे।